व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड को लेके आ गई हूँ, जिसका आप लोगों को काफी देर से इंतजार था। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस न्यू एनिमी की लास्ट वाली एपिसोड्स नहीं देखी तो जल्दी से जाके उन एपिसोड्स को भी देख लें भाई, तभी तो आपको आगे आने वाली स्टोरी का पता चलेगा। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने युआन जी को देखा था, जो कि अपने ब्रोकन मून सिटी के तबाह बर्बाद होने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रहा था और उसे दुनिया में कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। उसी वक्त यहाँ हमें यूरोन जी को भी देखा था, जो कि युआन को ये बता रही थी कि लगता है कि तुम्हारे माँ पापा अभी तक जिंदा हैं और ये ऐसा हो भी सकता है। इन सब बातों का पता तो तुम्हें यहाँ के सीक्रेट रियलम में ही जाकर पता चल सकता है, जो कि युआन जी के अंडर कंट्रोल है। अगले ही सीन में युआन हमें वहाँ पर सीक्रेट रियलम में दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर जाके युआन जी के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। अपनी आज वाली एपिसोड का आगाज भी हम लोग इसी वाले सीन से करेंगे, जहाँ पर हम युआन जी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पैलेस में खड़ा हुआ युआन जी के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, जो कि उन्हें ये कह रहा था कि बताओ मेरी ब्रोकन मून सिटी को किसने तबाह बर्बाद किया है। और साथ में वो उससे अपने पेरेंट्स के बारे में भी पूछ रहा था। उसकी बात सुन के तो युआन जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो टीरोन जी उसे कहने लगते हैं कि तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे माँ बाप को और द ब्रोकन मून सिटी को किसी अनजाने डीमंस ने तबाह बर्बाद किया है। इसके बावजूद भी मैं काफी देर से तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, जो कि तुम हमारे साथ इस तरह से आके बात कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें ये बात यहाँ पर अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि बेशक ही तुम अटाइनी टेम्पल के अंदर दाखिल हो चुके हो, लेकिन अब यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। उसके बाद यहाँ पर वो दोनों बुरे तरह से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें वो दोनों ही हार मानने वाले नहीं थे और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने स्लैश अटैक्स किए जा रहे थे। यहाँ पर युआन जी के अटैक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे थे, जबकि लीबाई भी यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं था और वो भी अपने स्लैश शॉट्स का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल अटैक्स कर रहा था। और टीरोन जी तो यहाँ पर युआन के सारे अटैक्स को बहुत ही इजीली डाउच किए जा रहा था। उसी वक्त अचानक से हम टीरोन जी को देखते हैं, जो कि अचानक से ही कहीं पे छुप जाता है। ये देख के तो युआन थोड़ा परेशान होता है, लेकिन वो इस बात के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार था कि बेशक वो यहाँ से छुप गया है, लेकिन अब वो यहाँ पर मेरे ऊपर बहुत ही बुरा अटैक करने वाला है। ये देख के तो वो अपनी ट्रिपल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसीलिए जैसे ही टीरोन जी उसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पर युआन भी अपना स्प्लैश अटैक करके उसके अटैक को इजिली डॉच कर देता है। उसके बाद यहाँ पर हम इन दोनों के दरमियान में बहुत ही जबरदस्ती फाइट होता देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही पावरफुल वॉरियर थे और ये दोनों ही यहाँ पर रुकने वाले नहीं नजर आ रहे थे। इसीलिए उन दोनों के पावरफुल अटैक्स की वजह से तो टैनी टेम्पल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होता नजर आ रहा था, और एक दूसरे के इतने पावरफुल अटैक की वजह से ये दोनों भी काफी घायल होते नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों आराम से नहीं रह रहे थे और मुसलसल ही फाइट किए जा रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर हमें गेट के दूसरी तरफ तमाम वॉरियर्स को खड़े हुए दिखाया जाता है, जो कि अंदर नहीं जा रहे थे बल्कि अपने एरोस के साथ बाहर ही खड़े हुए थे। उसी वक्त यहाँ पर हम शेंगवान को देखते हैं, जो कि तमाम वॉरियर्स को पीछे करते हुए गेट का दरवाजा खोलती हैं और अंदर आ जाती हैं। जैसे ही वो दोनों शेंगवान को अंदर देखते हैं, तो वो दोनों एकदम से रुक के वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और शेंगवान अंदर आते ही एक लेटर पढ़ के उन्हें सुनाने लगती है, जो कि क्वीन की तरफ से आया था। वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करती है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि टीरोन जी, जो कि अटाइनी टेम्पल का मिनिस्टर है, वो अब युआन जी को कुछ नहीं कहेगा और युआन जी भी अब यहाँ के लोगों के लिए और मुश्किलात क्रिएट नहीं करेगा। और दूसरी तरफ टीरोन जी के लिए ये भी मैसेज था कि उसको अब युआन जी की मदद करना होगी, ताकि वो अपने सारे मसलों को हल कर सके। टीरोन जी तो यहाँ पे प्रिंस के ऑर्डर को एग्री करता है, और उसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं, जो कि टीरोन जी के साथ वहाँ पर सीक्रेट रियलम ऑफ प्रिविलेज में आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो टीरोन जी उन लोगों को बताने लगता है कि ये हमारे प्रिविलेज का हजारों साल पुराना डायरम है, और इस रियलम में रहते हुए उसने इस बात को भी एनालाइज किया कि द ब्रोकन मून सिटी को किस तरह से डीमंस ने हलाक किया था। और टीरोन जी उन्हें ये भी बताने लगता है कि ये सब चीजें एनालाइज करते हुए तो मैंने ये बात भी देखी थी कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमंस हैं, जो कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकते हैं। तो युआन फौरन से एक्साइटेड होके कहने लगता है कि अगर ये बात है तो हमें इस टेक्निक को ब्लास्ट करने का फौरन से तरीका ढूंढना चाहिए, ताकि हम दूसरे लोगों की जानों को बचा सकें। तो टीरोन जी उसकी बात सुन के उसे कहने लगता है, हाँ ठीक है, लेकिन मैं अभी इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और अभी मेरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं, लेकिन अभी तक मुझे सिर्फ एक ही बात का पता चला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि द ब्रोकन मून सिटी के लोग अभी मरे नहीं और वो किसी जगह पर हाइड कर दिए गए हैं।
तो युआन जी उसकी बात सुन के कहने लगता है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वो सभी लोग अभी बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड प्लेस पर मौजूद हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। उसके बाद डीरोन जी थोड़ा सा आगे जाते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि अब मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा सकता, इसीलिए वो कुछ सीक्रेट डोर्स को ओपन करना शुरू करते हैं। जैसे ही डीरोन जी सीक्रेट डोर्स को ओपन करते हैं तो सामने बहुत ही ज्यादा बड़े से पोर्टल खुल जाते हैं, जिसको देख के वो कुछ लोकेशंस के बारे में बताने लगते हैं और उन्हें हर एक जगह के बारे में बताते हैं जहाँ जहाँ पर डीमंस ने अटैक किया था। और डीरोन जी उसे ये भी बताने लगते हैं कि द ब्रोकन मून सिटी के ऊपर जो अटैक हुआ था अब तक का वो सबसे बड़ा अटैक था, इसीलिए यहाँ पर मैं इस बात के नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इतना बड़ा अटैक करना तो कोई आम सी बात नहीं हो सकती, बल्कि ये किसी सीक्रेट टेक्निक से हुआ है। तो डीरोन जी उसे ये भी कहने लगता है, लेकिन अगर हम सीक्रेट पेपिलियम की बात करें तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिनका यूज करते हुए हम किसी भी सिटी को इजीली गायब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं और अभी तक हम उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे। उसी वक्त यहाँ पर युवान जी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि उस जगह तक मैं जा चुका हूँ। फिर उसे अचानक ही अपने फ्लैशबैक में लुयन क्लेन के बारे में पता चलता है। उसी वक्त यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अटैली टेम्पल के मेन पुलिस ऑफिस के साथ और भी काफी ज्यादा वॉरियर्स को भेज दिया जाता है अलुयन क्लेन के बारे में पता करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो अलुयन क्लेन के लोगों को देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ उनके उतारे हुए कपड़े ही मिलते हैं और इसके अलावा तो उन्हें कोई भी चीज नहीं मिलती। उसी वक्त वो पुलिस ऑफिसर फौरन से डीरोन जी के पास एक मैसेज भेज देते हैं जिसमें अलुयन क्लेन के लोगों के बारे में बताते हैं कि वो वहाँ से लापता हो गए हैं। डीरोन जी इस बात के बारे में युजवान को बताते हैं और वो उन्हें ये भी बताते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब अलुयन क्लेन के लोगों का अगला निशाना चिंगान सिटी हो। तो युजवान भी उन्हें कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि अब उनका अगला निशाना चिंगान पैलेस है, क्योंकि अगर उन्होंने चिंगान पैलेस पर ही निशाना करना होता तो वो इस बात को डायरेक्ट ही करते, अलग अलग सिटीज पे निशाना करने की क्या जरूरत थी। तो डीरोन जी उन्हें कहने लगते हैं कि अब हमें क्राइम लोकेशन के बारे में थोड़ा सा और गौर कर लेना चाहिए, जो कि होती है जियान मेन जिनटिन माउंटेन, जो कि बीच ब्लॉसम बाइडी चियान के साथ था और उसके बाद जाके उनका नेक्स्ट टारगेट बनने वाला था चेंगान सिटी। ये सब सुनने के बाद तो उन दोनों को थोड़ा सा पता लगने ही लग पड़ा था कि आखिर में यहाँ मामला क्या चल रहा है। उसी वक्त यहाँ पर हमें वो सारे लव्स एक ब्लॉक की सूरत में बनते हुए हवा में नजर आते हैं और साथ ही वो एक पोएम में लिखे जाने शुरू हो गए थे और वो पोएम एकदम से दीवार पे चिपक जाती है। तो यहाँ पर युजवान आगे आता है और वो कहने लगता है कि बीच ब्लॉसम तो हजारों मीटर गहरा है। इसके साथ ही युजवान को ये बात भी याद आती है कि जो भी क्राइम लोकेशंस हैं और जहाँ जहाँ पर भी अभी तक अटैक्स हो चुके हैं उन सारी जगहों के बारे में तो युजवान अपनी पोएम्स के अंदर जिक्र कर चुका है। ये बात कहने के बाद तो युजवान एकदम से कहने लगता है, लेकिन इस पोएम के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर होगी, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी ब्रोकन मून सिटी के बारे में कभी भी कोई पोएम नहीं लिखी। तो डीरोन जी उसे कहने लगते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुमने अभी तक कोई पोएट्री लिखी नहीं, लेकिन तुम लिखने की तैयारी तो कर ही रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर शेंगवान भी आगे बढ़ के उसे कहने लगती है कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये किंग लियान की पोएट्री की कलेक्शन है और वो उन्हें ये भी बताती है कि इस पोएट्री के बारे में तो वो 2 साल पहले जिक्र कर चुके थे, ये सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा था। तो डीरोन जी और युजवान उसे कहने लगते हैं कि इस पोएम के बारे में हमें और डिटेल से बताओ। तो शेंगवान आगे बढ़ के उन्हें पोएम के बारे में डिटेल से बताने लगती है, जिसको सुनते ही वो तीनों इस बात तक पहुंच चुके थे। ये सुन के तो वो सभी लोग कहने लगते हैं कि इसका मतलब कि अब डीमंस का नेक्स्ट अटैक शेंगान सिटी होने वाला है। ये सोचते हुए फौरन से वहां से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को लुयन को दिखाया जाता है, जो कि चलते चलते सिटी के दरमियान में पहुंच जाती है। दरअसल दोस्तों यही वो लड़की है जो डीमन सीक्रेट टेक्निक को यूज करना जानती है और इस टेक्निक को यूज करते हुए तो वो इस सिटी को तबाह बर्बाद करने के लिए एक अटैक करने ही वाली थी। लुयन के इस अटैक की वजह से ये सिटी बर्बाद होती है कि नहीं, ये तो अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड भी खत्म हो जाती है, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम जल्द अज जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर सकें।